हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है बेटा माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके प्रीवियस में मैंने दो वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज आप पहले वो दो वीडियो को देखना, फिर ये दो वीडियो देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी है, फिर उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने इसके लैब डायग्नोसिस देखे हैं, और लैब डायग्नोसिस में हम बायोकेमिकल्स देख रहे थे, जिसकी अब जो पोर्शन छूट गया था प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में हमारे सारे पोर्शन को मैं कवर करूंगा। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा लेंस फील्ड ग्रुपिंग, क्या करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस का पता लगाने के लिए लेंस फील्ड ग्रुपिंग टेस्ट भी करा जाता है। ये होता क्या है, उस चीज पर स्टडी करेंगे। हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस आर ग्रुप सीरोलॉजिकली। जो हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है, यानी जो हिमोलाइसिस करता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस आर ग्रुप, यानी समूह में रहता है, आर ग्रुप सीरोलॉजिकली, सीरोलॉजी में क्या करते हैं उसका एक अलग ही ग्रुप रहता है। समझ में आ रही है वही बात आपको कि हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस आर ग्रुप सीरोलॉजिकली बाय द लेंस फील्ड टेक्निक। ठीक है, उसकी जो टेक्निक है, यानी कि लेंस फील्ड टेक्निक के द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस को पता लगाया जाता है, यानी उसका डायग्नोसिस किया जाता है। और कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस बेटा, हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का हम पता लगाते हैं सीरियोलॉजी में, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में। क्यों उसमें पता लगाते हैं, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम करते हैं टेस्ट, सीरम से टेस्ट करते हैं, इसलिए सीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम स्ट्रेप्टोकोकस, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस, हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की स्टडी करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं हम लेंस फील्ड ग्रुपिंग के द्वारा। आई मेरी बात समझ में? इट इज डन फॉर डेफिनेट क्लासिफिकेशन, ये करा जाता है इसका एक क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन पता लगाने के लिए, एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए यानी कि एपिडेमिक, यानी उस एरिया में कितना स्ट्रेप्टोकोकस फैला हुआ है, कितना एपिडेमिक, यानी उसी क्षेत्र में कितना इसका स्ट्रेप्टोकोकस का इंफेक्शन है, उस सारी स्टडीज को करने के लिए हम लेंस फील्ड ग्रुपिंग करते हैं। यानी कि उस एरिया के लोग हैं, उस एरिया के लोग में जो जो इन्फेक्टेड है, और जो जो इन्फेक्टेड है उसमें से कितने कितने लोग उस तरीके का रीडिंग दे रहे हैं, उस तरीके के सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो एपिडेमिक स्टडी करने के लिए, यानी कि वही उसी क्षेत्र में उसी एरिया में होने वाले इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए हम लेंस फील्ड ग्रुपिंग करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, और उसका एक डेफिनेट क्लासिफिकेशन पता लगाने के लिए लेंस फील्ड ग्रुपिंग करी जाती है। लेंस फील्ड ग्रुपिंग डिपेंड्स ऑन सी कार्बोमेटेट। जो लेंस फील्ड ग्रुपिंग है बेटा, वो डिपेंड रहती है सी कार्बोहाइड्रेट पे। ये एक टाइप है, ठीक है, सी कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहता है लेंस फील्ड ग्रुपिंग। आगे क्लियर करूंगा कि सी कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ध्यान से समझो, किस पे डिपेंड रहता है, ये सी कार्बोहाइड्रेट पे लेंस फील्ड ग्रुपिंग डिपेंड रहता है, विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच ग्रुप। और जो कि स्पेसिफिक है हर एक ग्रुप के लिए, क्या है ये स्पेसिफिक है, सी कार्बोहाइड्रेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। जो सी कार्बोहाइड्रेट रहता है is extracted, यानी extract किया जाता है, यानी उसको निकाला जाता है, सी कार्बोहाइड्रेट को extraction यानी extract करना, यानी वहां से निकालना, extract करना, यानी कि मैंने तुलसी लाया, तुलसी को निचोड़ा और तुलसी में से रस बाहर आया, तुलसी के रस का क्या किया मैंने, extraction किया। नींबू निचोड़ा तो नींबू का क्या किया मैंने, नींबू में लेमन जूस का क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया, उसमें से निकाला। कोई भी हम देखते हैं दवाइयां खाते हैं, जैसे होम्योपैथिक दवाई देती है, होम्योपैथिक दवाइयों में क्या करते हैं, जड़ी बूटियों का करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके रस को, है ना, क्या करते हैं हम लोग उसके रस को, उसके जो भी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है उसका एक्सट्रैक्शन आपको दिया जाता है, इसलिए वो ड्रॉप में देते हैं ना, देखना होम्योपैथिक दवाइयां ड्रॉप में दी जाती है, या तो वो गोलियां रहेंगी, गोलियों में ड्रॉप डाल देंगे और उसको मिला देंगे आपको दे देंगे खाने के लिए, या तो देखें ग्लास में दो बूंद चार बूंद मिला के देते हैं, वो क्या रहता है एक्सट्रैक्शन रहता है दवाइयों का। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सट्रैक्शन एक्चुअली वर्ड समझाने के लिए सब आपको टॉपिक बताया हूँ। तो क्या करते हैं, सी कार्बोहाइड्रेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ
यानी सी कार्बोहाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से, यानी कोई किसी चीज की सेल है, फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के सेल की वॉल में प्रेजेंट रहता है सी कार्बोहाइड्रेट, और उस सी कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रेप्टोकोकाई की सेल की वॉल से निकाला जाता है. And grouping done by a precipitation test with antisera. और ये grouping done करते हैं यानी करा जाता है done by a precipitation test with antisera. और antisera से क्या करा जाता है? Test लगाया जाता है. यानी पहले से ही हम जाके laboratory में extract नहीं करते हैं. पहले से reagent बने हुए रहते हैं, extracted reagent बने हुए हैं, present हैं. उन reagent को जाके बस हमको मिलाना है. पर ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल हम देख रहे हैं, एग्लूटिनेशन पे वर्क करता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. एग्लूटिनेशन होता है, इसमें क्लंप फॉर्मेशन होता है. तो क्या कर रहा है, समझ में आई मेरी बात? डेंस फील्ड ग्रुपिंग क्यों करते हैं? या तो हम इसका डेफिनेट क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन पता लगा रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं इसकी. और कैसे करी जाती है? ये डिपेंड रहता है सी कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहता है. और सी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई के सेल वॉल में से निकाला जाता है. और फिर इसकी ग्रुपिंग करते हैं यानी टेस्ट लगाते हैं एंटीसीरा डाल के सीरम में, इसका क्या करते हैं, ग्रुपिंग करी जाती है. इस तरीके से डेंस फील्ड टेस्ट करा जाता है. मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझा दिया हूँ. ये देखो लेंस फील्ड ग्रुपिंग है, इस तरीके से इसमें क्या कर रहा है, रीडिंग दिया है. आपको पता नहीं इसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इमेज ज्यादा अच्छे से ब्लू ब्लू दिख रहा है, पर कहीं कहीं दिख रहा है छिद्र छिद्र ही नजर आ रहे हैं, डार्क ब्लू ब्लू बारीक बारीक इसमें नजर आ रहे हैं, यानी एग्लूटिनिन इसमें फॉर्म हुआ है. जितना ज्यादा बारीक, जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा धुंधला, जितना ज्यादा साफ दिखेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, रीडिंग दी जाती है. अब रीडिंग बेटा हर लैब में अलग अलग रीडिंग है, हर लैब में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है. ठीक है, तो उनका मैं हर तरीके की रीडिंग नहीं बताऊंगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट. एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी किया जाता है नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए. अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक्यूट सपोरेटिव इन्फेक्शन की स्टडी कर रहे थे, यानी एक्यूट सपोरेटिव अंदर इन्फेक्शन होगा, यानी कि एक्यूट और तरोताजा उसी समय का हुआ हुआ, डेढ़ महीने से दो महीने, तीन महीने के अंदर अगर होगा इन्फेक्शन, बस फॉर्मेशन होगा, उस समय हम इसकी स्टडी करते हैं, तो वो सारे टेस्ट लगाते हैं. पर अगर ऐसे बैक्टीरिया जो कि नॉन सपोरेटिव है, जो पस फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उसका मैंने क्या बताया था आपको, एंटीबॉडी डिटेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, उनका टेस्ट लगाया जाता है. तो एंटीजन डिटेक्शन करेंगे हम इसमें, कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं, ELISA एंड एग्लूटिनेशन टेस्ट आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन फ्रॉम थ्रोट स्वैब. ELISA और एग्लूटिनेशन टेस्ट किए जाते हैं, यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के, पता लगाने के, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के एंटीजन को इसके द्वारा थ्रोट स्वैब में से. आपको थ्रोट स्वैब भी मैंने बताया हूँ, रेक्टल स्वैब, नजल स्वैब, थ्रोट स्वैब, सारे स्वैब्स कैसे लिए जाते हैं उसकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. इन रोमांटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कायमित किया जाता है, रोमांटिक फीवर में करा जाता है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिस कंडीशन में किया जाता है एंटीजन टेस्ट. सीरोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड रेट्रोस्पेक्टिव एविडेंस ऑन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. और क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, पुराने तौर पे कोई बीमारी प्रेजेंट है अगर, तो रेट्रोस्पेक्टिव एविडेंस भी देते हैं, यानी पुराने तौर पे अगर प्रेजेंट है तो वो सबूत भी रिप्रेजेंट करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट. द रूटीन टेस्ट इज डन एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ. रूटीन जो टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है हमेशा आमतौर पे जो टेस्ट किया जाता है एंटीजन डिटेक्शन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, उस टेस्ट को बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, या ASO का क्या है ये फुल फॉर्म है, ये टाइट्रेशन टेस्ट है. वही अपन क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट बेटा स्लाइड में करते हैं, मैंने इससे पहले स्लाइड बताया ना, उस तरीके से किया जाता है. व्हाइट कलर का इसमें हो रहता है, इसमें एक प्रकार का लेटेक्स टेस्ट रहता है, इसमें एक प्रकार का गम यूज होता है, पेड़ से एक प्रकार की गम निकाली जाती है, व्हाइट कलर की गम बोन निकाली जाती है, जिसके द्वारा ये टेस्ट किया जाता है. ये थोड़ा बाहर का नॉलेज हो गया. द रूटीन टेस्ट इज डन एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ. ASO टेस्ट का आपको फुल फॉर्म होना चाहिए, याद होना चाहिए. और टाइट्रेशन टेस्ट है, यानी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फीट में हम देखते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं. तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं. एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करा जाता है फॉर नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए. अभी लास्ट इमेज बेटा है ना,
ELISA टेस्ट कैसे करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी। अब ELISA टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, सैंडविच होते हैं है ना, और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सैंडविच होते हैं, कई प्रकार के ELISA टेस्ट होते हैं। जब मैं आपको ELISA टेस्ट पढ़ाऊंगा इसकी स्टडी कराऊंगा कि पहले क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इस तरीके से एक के ऊपर इस तरीके के जमाया जाता है। इस तरीके के ELISA टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, देखो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन दिख रहा है, ये एंटीबॉडी है, लंबी लंबी गोल गोल एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। ये ELISA ट्रे है, इस ट्रे में इस तरीके का ELISA लगाया जाता है और ये ESM टेस्ट है, एंटी सर्कुलेशन को ये नेगेटिव टेस्ट है, यानी कोई भी इसमें क्लंप फॉर्मेशन नहीं दिया है, उसने क्या करा है क्लंप पूरा फॉर्मेशन करा है, ये पॉजिटिव टेस्ट है। तो इस तरीके से बेटा हम करते हैं सारे टेस्ट। अब एक लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं आपको, जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ एक सीक्वेंस में टॉक्सोनॉमिकल ही पढ़ाया हूँ कि जिस तरीके से बच्चों को डिलीवर होना चाहिए उस तरीके से ही लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर का देखे या इंडिया के बाहर का देखे, या चाहे वो कॉलेज का बच्चा देखे या कॉलेज के बाहर का बच्चा देखे, ठीक है। मैं उतना ही बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना बच्चे को आवश्यकता है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको जितना पढ़ना है उतना ही आपको नॉलेज दिया जा रहा है। मैं आपको हायर लेवल का दे दूंगा, सर सर के ऊपर से जाएगा, आपका बेसिक तो क्लियर है नहीं पहले, अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाता। तो मेरा काम है सबसे पहले बेस क्लियर करना बच्चे का, फिर उसको डीप में लेके जाना और जो जो इम्पोर्टेंट है वो उसको बताना जरूरी है। वो पूरा पुलिंदा बता दो, 1760 प्रकार के टेस्ट बता दो, स्ट्रेप्टोकोकाई के क्या वो सही रहेगा, क्या सिर्फ जो चुनिंदा टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है बच्चे को एग्जामिनेशन में लिखना, वायो में बताना या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या अपने जीवन में उसको किसी भी तरीके का काम आएंगे, तो ये सारे टेस्ट ही उसको काम आएंगे। तो उस हिसाब से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी प्रकार की भी कमी है और किसी प्रकार से बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। अगर बच्चों की किसी प्रकार के डाउट है तो बच्चे लोग प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज में डाउट है, मैं आपके जरूर डाउट क्लियर करूंगा जब भी मुझे समय मिले। और कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है आपको कि बनाना चाहिए, आप चाहते हो कि आप मुझसे बनवाए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर आपसे ये टॉपिक सुनना चाहते हैं, आप प्लीज ये टॉपिक को बनाइए, तो मुझे अगर जब भी समय मिलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है, ये सब मैं इसी चीज में बिजी रहता हूँ, तो जब भी मुझे समय मिलेगा तो अलग से वो वीडियो भी जरूर आपके लिए बनाऊंगा। थैंक्स फॉर